हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा मेरे अभी 3 व्लॉग में कि हम गए थे बाहर और क्या जबरदस्त के थक्के आए थे। आज उठे हैं हम लेट, लगभग 8 तो बज गई थी और मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 12:30 बजे, यानी रेडी हो गई हूँ कम्प्लीट। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा लेट करते हैं, क्योंकि आप जैसे कि कल देखा ही होगा कल के व्लॉग में कि सारा सामान कैसे, लगेज वगैरह सब बहुत सारा हो गया था, तो गंदे कपड़े वगैरह निकाले, वॉश करे, क्योंकि हम एक किसी भी जगह पर ज़्यादा नहीं रुके थे, तो हमको ना वॉश करने का टाइम मिला था ना कुछ नहीं, तो सब घर पर आके वॉशिंग में डाले कपड़े और सारा सामान जो भी लेके गए थे उसको अच्छे से जहाँ पर था वहाँ पर जमा दिया। टाइम तो लग ही जाता है, कैसे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो घूम के आते हैं इसके बाद की थकान ही ज़बरदस्ती होती है। हालांकि हमको कल थकान कम लगी थी, परसों थकान हमको इतनी ज़्यादा लगी थी, गाड़ियों में सबके सिर दर्द हो रहे, सब सो रहे। कल तो हम कोई सोए नहीं थे, कल तो हमने क्या, यानी हमारे आने के टाइम पर हमने ट्रिप निकाला, यानी मज़ा आ गया, क्या मस्ती पूरा टाइम। सच में बहुत ही अच्छा ट्रिप था हमारा अभी वाला। तो हमको है ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में ड्रोन उड़ाने नहीं दिया, और हम दोनों यूँ सोच रहे थे ना कि कहीं कहीं पर क्या होता है ना, कैमरा वगैरह का एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, यानी उस चीज़ का कि जो चीज़ हमको यूज़ करनी है, कैमरा वगैरह का भी करते हैं देखा है, तो ड्रोन का भी एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। फिर पता चला कि हमको आगे से परमिशन लेनी है, शायद तक वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस से परमिशन लेनी थी, तो अब इतना सारा चौचला तो तुरंत तो हो नहीं सकता था, ये सब हमको एक दो दिन पहले प्लान करना पड़ता था। पर कोई बात नहीं, सबक मिल गया, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे अगर ऐसा कुछ प्लान करते हुए जा रहे हैं कि ड्रोन वगैरह उड़ाना है। पर हमने कुछ शॉट्स बहुत ही अच्छे लिए हैं और बहुत अच्छे, एक दो जगह हमको बहुत अच्छी मिली, यानी बीच में रुके, बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट था, कुछ ज़्यादा कुछ पर व्यू ही ऐसा था कि लोग सब इंजॉय कर रहे थे, हम भी रुके, देखा, मज़ा आया काफ़ी। और ट्रिप से आके थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि घूमने का टाइम हो गया ख़त्म, पर बहुत जल्दी नेक्स्ट भी प्लान कर लेंगे, क्योंकि अब तो कोविड भी थोड़ा कम हुआ है ऐसा लग रहा है। पर जहाँ पर भी गए सिर्फ हम लोगों ने ही मास्क पहना है, यानी हम लोगों ने ही, किसी ने मास्क नहीं पहना है, इन लोगों को डर ही नहीं है बिल्कुल। बस एक प्रॉब्लम होते होते रह गई, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में मम्मी गिरते गिरते रह गए थे, पर मम्मी को कहीं लगी नहीं, पापा मम्मी को बचाने में, पापा को थोड़ी लग गई, पर इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया बस। तो बस अब आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए, मेरा न्यू कैमरा भी आ गया है, GoPro, अब इससे भी आपको अच्छे अच्छे शॉट्स लेके मिलते रहेंगे। मेरा ना, मेरे कैमरे का नाम मेरे लिए GoPro है, पर इसकी सीरीज का नाम है Hero 9, और छोटा सा एकदम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मेरा ये वाला कैमो भी इसके अंदर दिख रहा है, क्यों कैमो, देखो तेरा छोटा भाई अच्छा लगा ना GoPro। तो चलो अब देसी काम करते हैं, हमारा खाने में मिल रहे हैं अमरूद और केले, कच्चे केले की सब्जी, मूंग मम्मी ने रख दी है और मैं कच्चे केले की सब्जी बना रही हूँ, यानी एक बार तो छीलूंगी। फिर सब्जी की फ्राई करने बैठी तो पता चला लहसुन ही नहीं है, तो ये लहसुन छीलने बैठ रही होगी, जितनी जरूरत होगी उतना भी छीलूंगी, ज़्यादा नहीं छीलूंगी। चलो खाना तो कम्प्लीट बन गया, अब खाना भी दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया। ये मूंग की दाल, ये केले की सब्जी और ये मेरी ब्रांड रोटी, क्योंकि 3 दिन फुल दबा दबा के खाना खाया है, तो क्यों ना थोड़ा डाइट पे आ जाया जाए। तो चलो खाना खा लेते हैं। और आज मैं शॉप पर जाऊंगी, सबसे मेन चीज़ मैं आज सलून ओपन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आज ज्योति नहीं आई है, सो मैं हूँ ऑलरेडी थकी हुई, और फिर कोई कस्टमर आ गया तो और ज़्यादा थक जाऊँगी, और आगे भी मुझे काम रहता ही है आगे वाली शॉप पर, इसलिए तो आज के दिन रखेंगे पीछे के लिए ऑफ, और ज्योति के क्या एग्ज़ाम आ गए ना, इसलिए उसने आज ऑफ लिया है। जैसे ही खाना खाया ऐसे चिकू का कॉल आया, और चिकू बोल रहे हैं कि चल तुझे मम्मी पापा से मिलवा के ले आता हूँ, यानी मेरे मम्मी पापा, तो क्योंकि तेरे मम्मी पापा भी तुझे बहुत याद कर रहे होंगे, और अब भी चल रहा है घर का काम वहाँ पर, तो पापा मुझे बार बार कॉल कर करके बोलते रहते हैं कि काम देखने आ जाना, काम देखने एक बार आ जाना, क्योंकि तो जो मेरे हिसाब से नहीं होगा फिर तो उनको तोड़वा के करवाना पड़ेगा। तो मैं जाती हूँ एक बार, देख लेती हूँ क्या काम कैसे चल रहा है और क्या चीज़ें आई हैं, क्या परफेक्ट है क्या नहीं है, सब देख लूँगी, और मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने। थोड़ी ज़्यादा देर रुकूँगी नहीं, थोड़ी देर में 2 घंटे में आ जाऊँगी। तो अभी जस्ट खाना खाया, तो शॉप पर भी आके फिर जाने का सोच रही हूँ। वैसे ही लेट तो हो ही गई, आज 2 बज गई है, क्योंकि सुबह का काम था, और ट्रिप से आते तो आप लोग भी जानते हो कितना बिखेरा वगैरह रहता है और घर का भी काम रहता है, इसलिए
तो अभी जा रहे हैं, चलो रास्ते में ही मिलते हैं। अब डायरेक्ट रेडी तो हो गई हूँ लगभग, रेडी तो क्या होना है, बस सिर्फ बाल बनाने हैं। और बाल आज मैंने वॉश किए थे तो गीले ही हैं, क्योंकि खाना बना रही थी तो मैं खाना हमेशा बाल बांध के ही बनाती हूँ, बाल खुले रख के कभी खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गिरे ना गिरे बाल पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है बाल खुले रख के खाना बनाते हैं। तो चलिए अब हो जाती हूँ रेडी जाने के लिए, मम्मी पापा से मिलने के लिए बहुत टाइम गया, यानी हफ्ते दो हफ्ते हो गए हैं, इसलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। क्या हुआ, डर क्यों गए? ये हम निकल रहे हैं, वहाँ पर हमारा गोकुल है वो लग चुका है, आज इसका फर्स्ट टाइम यूज़ होगा। एक्चुअली क्या हमको लेके जाना था ये ट्रिप पर उस टाइम तक ये हमारे पास डिलीवर नहीं हुआ था, नहीं तो और अच्छे शॉट्स ले पाते, पर कोई बात नहीं, अभी मम्मी के घर जा रहे तो वहाँ ले लेंगे। मजा आ गया, आ गए हैं और घर का काम देखना था वो देख लिया, जब पूरा बनेगा तब बताऊंगी, अभी तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। और अगर बनते हुए देखना है तो यश के व्लॉग्स को देखो, यश पंचाल व्लॉग्स, बस यही। और मम्मी तो मिली नहीं, मम्मी कहीं गई हुई है, क्योंकि मैं भी अचानक से आई, इसलिए बोला होता तो मम्मी शायद नहीं जाती, पापा ही मिले। तो चलिए अब निकलते हैं अपने घर को, हो गया है काम यहाँ का। आ चुकी हूँ घर पे और आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा, क्योंकि मेरा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा अगर पानी ठंडा तो पिया ही था, इतनी जगह घूमे थे वहाँ पर, तो पर जैसे कि जगह अलग अलग जगह का पानी वगैरह पी लेती हूँ तो मेरे गले में हो जाती है खराश, तो नहीं बोल सकते, गला बैठ जाता है, आवाज़ चेंज हो जाती है, कोई नहीं, पर कल के थकान है थोड़ा कर लेती हूँ रेस्ट। मम्मी पापा के घर से तो आ गई, मम्मी से मिलना हो गया, जैसे हम निकल ही रहे थे वैसे मम्मी भी आ गई, तो बस मिलना हो गया एक दो सेकंड के लिए, फिर हम निकल गए वहाँ से। ये हम जो शालमपुर से तस्वीर लेके आए थे कस्टमर जन दादा की, वो एक्चुअली क्या हम लोग गाड़ी में जैसे ही बैठे थे और सारा लगेज रखा था तो यूँ लग रहा था कि कहीं टूट गई है ऐसा, अभी चेक कर रहे हैं कैसी है, अब नेक्स्ट निकल चुकी है। वो दोनों तस्वीरें इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक लाए हैं पापा के लिए और एक लाए हैं हमारे घर के लिए, शायद ये वाली पापा को गिफ्ट होगी और ये घर पे रहेगी, क्या मस्त लग रही है। मस्त सही है। नहीं, डर लग रहा था कहीं कुछ क्रैक व्रैक होगी, क्योंकि हमारे पास क्या हम इनोवा करके गए थे हम, और हम छः जने थे तो सिटिंग ही कुछ इस टाइप से हमने अरेंज की थी कि लगेज हमारे पास ज़्यादा रह नहीं सक रहा था पीछे की तरफ, पर कोई बात नहीं, कुछ होने नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि हम इतनी उम्मीद से लेके आए इसको, अच्छी है, सुरक्षित हैं। और अब बनेगा हमारा खाना, तो खाना बना रही हूँ। आज मैं शॉप पर गई ही नहीं मम्मी पापा के घर से आकर भी, क्योंकि आज अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा शायद थकान लग रही है इसलिए, पर कल से हमारा जो मेन रूटीन है वो तो स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये इस चीज़ की शांति है, फ्रेम्स को कुछ नहीं हुआ, तस्वीरों को। अभी हो गया मेरा खाना वगैरह सब कंप्लीट, आज मुझे कुछ भी ज़्यादा शूट करने का मन नहीं है, क्योंकि कल की शायद मुझे थकान लग रही है, अगर प्रॉपर रेस्ट आज मिल जाएगा तो कल से तो मैं डेली व्लॉगिंग मेरी अच्छे से करूँगी। आज है 2 अगस्त और कल है 3 अगस्त को है मम्मी का बर्थडे,
तो मम्मी को मैं ये वाली साड़ी गिफ्ट करने का सोच रही हूँ। ये वाली साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, यानी मुझे अच्छी लगी थी और नई भी लगी थी, यानी मैं ऐसे ऐसे मैं चल रही थी। फिर मम्मी ने देखा अच्छी है ऐसा बोला, तो क्यों ना मम्मी को ये गिफ्ट किया जाए। हम हर साल कुछ ना कुछ तो मम्मी के लिए लाते हैं, पर अभी एकदम से दिमाग से ही निकल गया क्योंकि ट्रिप पर जाना था इसलिए। और एक चीज़ और हुई है, चिकू के यहाँ पर हो रहा है निशान, वाइट निशान हो रहा है। डॉक्टर को मैंने एक बार पूछा था तो नॉर्मल एलर्जेटिक कुछ हो सकता है, तो हो सकता है स्किन का टोन इवन नहीं होने की वजह से। ऑलरेडी फेयर तो है, पर वो चीज़ क्या थोड़ी ज़्यादा फेयर है तो अलग से दिख रही थी। अभी 2-3 दिन से ज़्यादा नोटिस हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने नोटिस किया था पर दिख रहा था इतना ज़्यादा लाइट नहीं लग रहा है। अभी भी इतना बढ़ गया ऐसा नहीं लग रहा, हल्का सा अगर लग रहा है बड़ा है यूँ। तो उसके लिए मैं लाई हूँ ये मिशेल की क्रीम। ये मिशेल की ही ब्रांड है FNW। ये फेस का इवन टोन, अगर किसी के फेस पर पिगमेंटेशन है उसके लिए है, ये है पूरे फेस का इवन टोन करने के लिए। अब ये आज से चिकू स्टार्ट करेंगे यूज़ करना, अगर अब इसका कैसा फ़र्क है देखते हैं। इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, एक तो ये इवन टोन करने के लिए ये वाली क्रीम और एक डार्क स्पॉट रिमूवर। अगर एक मंथ में हमको 20% भी रिजल्ट लग रहा है और हमने 3 मंथ रेगुलर यूज़ कर दिया तो ये एकदम से फिनिश हो जाएगा, एकदम इवन टोन कर देगा। और अगर आपको फेस की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मिशेल यूज़ कर रहे हो आपको हालांकि 15 दिन में फ़र्क लग ही जाएगा, अगर स्किन का कोई भी मेजर प्रॉब्लम है 3 महीने में तो क्योर हो जाएगा। 3 महीने में एकदम, कोई अपन ट्रीटमेंट भी लेते हैं ना, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी होता है, 3 महीने तो होते ही हैं। इसलिए फेस को टाइम देना ज़रूरी है, अगर जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए अगर हमको कुछ सूट कर रहा है उसको 3 महीने तो हमको मिनिमम यूज़ करना है, क्योंकि उसका रिजल्ट देने का वही टाइम होता है। और हमारी स्किन अब किस हिसाब से हील होती है वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। तो चलो इसी के साथ कर रही हूँ मैं आज के व्लॉग का एंड। आज का व्लॉग बना होगा थोड़ा शॉर्ट आई थिंक, अगर नहीं बना हो तो वो तो जब हमको डिस्प्ले पर दिखता है कंप्यूटर में जाता है तभी पता चलता है, वो ऐसा लगता है एक शॉर्ट बना होगा, पर कितना शूट करते हैं वो हमको भी नहीं पता होता, क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है टाइम लैप्स में भी निकाल देते, पर मेरा कभी भाषण है वो लंबा चौड़ा हो जाता है क्योंकि मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। आप अभी देखोगे हमारे व्लॉग्स में मैं नॉन स्टॉप जैसे आपके सामने बात करती हूँ वैसे घर वालों के सामने भी बात करती हूँ, और उसी वजह से मेरा गला भी थोड़ा सा बैठ गया है, हल्की सी आवाज़ में चेंज लग रहा होगा, क्योंकि हमने क्या बातें की हैं मैंने और वीना दीदी ने, यानी सबका दिमाग ख़राब कर रखा था पूरी ट्रिप में। जिया जी और चिकुतर यानी लिटरली बोलने लग गए तुम्हारा ही मुँह दुखता नहीं है इतना बोलते हुए, पर काफ़ी मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया तीनों दिन। आप देखना क्या मज़े आएंगे आपको हमारे साथ, और खाना वगैरह भी सब बढ़िया खाया, मज़ा आया। ठीक है चलो, ओके बाय। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। और मेरे 3000 सब्सक्राइबर आप और टाइम बात करवाए हैं, अब जल्दी जल्दी मुझे आगे बढ़ाओ प्लीज़, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। बाय।